वी विल स्टार्ट लेक्चर फोर एक्सरसाइज 1.1 क्लासेस पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म 1 पार्ट 1 ए इज इक्वल टू 1 2 2 3 4 एंड सो ऑन दिस सेट इज इन टेबुलर फॉर्म वी विल राइट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स A is equal to set of natural number limit are not given it means के आप ऐसे ही set of natural numbers लिख देंगे ठीक है limit नहीं given दी हुई है and number 2 B is equal to 0 1 2 until 100 it means के limit are given 100 तक दिया हुआ है जो 0 से start होते हैं वो number कौन से कहलाते हैं set of whole numbers less than 101 लिखें या और equal to 100 दोनों में से एक लिख सकते हैं You can write this one. C is equal to 2, 3, 5, 7, 11, 13. वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, it's not another table, it is a prime numbers. C is equal to set of prime numbers less than 15. क्योंकि limit दी भी है आपको, तो आप कहाँ एक नंबर बढ़ा के लिखें या 15 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इससे less लिखने थे. तो लेस में जो प्राइम नंबर जो होते हैं वो 13 तक स्टॉप हो रहे हैं नंबर 4 डी इज इक्वल टू ट्यूसडे एंड थर्सडे तो डी इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज इन अ वीक विच स्टार्ट टी इस डेज में देखें टी से जो स्टार्ट हो रहे हैं ट्यूसडे और थर्सडे स्टार्ट हो रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे विच स्टार्ट टी इज इक्वल टू अप्रैल जून सेप्टेम्बर नवम्बर तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 30 डेज जो ये 30 डेज के मंथ्स हैं इससे पहले भी हम कर चुके हैं वो टेबुलर फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में तो उसमें भी हमने यही किया था एफ इज इक्वल टू जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर सेट ऑफ मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 31 डेज जी इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 और सेट ऑफ इवन नंबर्स दोनों लिख सकते हैं दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड आई इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स जे इज इक्वल टू एक्स वाई जेड सेट ऑफ लास्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज इट क्लियर दिस वर्क शुड बी रिटन इन द अरिथमेटिक कॉपी